उन लोगों ने यहाँ पर चैलेंज दिया था। अच्छा, अब तुम्हारा जीजा आ रहा है। हाँ। तुम्हारा जीजा आ रहा है, उसके लिए माला तैयार कर लियो। जो एक छोटे से छोटा समोसे वाला है वो भी कट्टा लेके, बंदूक लेके, छह छह राउंड वाली गोली लेके छत पे से धड़ाधड़ चला रहा है। फिर हम लोग छत पर चढ़े हैं तो हमने देखा है जो सामने जो बिल्डिंग है उससे फायरिंग हो रही है। हमारे लिए अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे लिए दिक्कत ही दिक्कत है। हम क्या करें, हम घर से नहीं निकल सकते। और सिर्फ ये जो है ना प्रशासन की तरफ से एक माहौल बिगाड़ने का होता। हाँ। खेल कि यहाँ किसी तरीके से माहौल बिगड़े। हाँ। प्रशासन इसको रोक सकता था। हाँ। रोका जा सकता था ये काम। हमारा सारा मुसलमान का रेड़ा जला दिया, नंगली के 15-20 रेड़ा जला दिया, पूरी आग लगा दिया, लड़के जवान को मार दिया। ना तो यहाँ कुछ खाने का इंतजाम है। हाँ। ना कोई प्रशासन आ रहा है। हाँ। ना हमारी को यहाँ सुन रहा है, ना हमारे पास कोई आ रहा है, हमको तो टारगेट बनाया जा रहा है। लगातार जो है हरियाणा के नूह में 31 तारीख को हिंसा भड़की, उसके बाद से जो है नूह धू धू करके जल रहा है। इसे जो है इस पे पानी डालने वाला क्या कोई व्यक्ति नहीं है। एक बार पहले तस्वीर दिखाइए, जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये नूह की है। यहाँ पर 144 धारा लागू है। दुकान आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है दुकानें हैं, लेकिन दुकान बंद है। यहाँ पे लोग जो आम सुविधा को लेकर इन लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये तमाम लोग दिखाइए, एक बार तस्वीर दिखाइए। कोई दूध का इंतजार कर रहा है, कोई गैस का इंतजार कर रहा है, यानी जो बेसिक सुविधा है उस चीज़ को लेकर जो है ये लोग सड़क पे निकल रहे हैं एहसास में कि कहीं पर कोई दुकान खुली मिल जाए तो ये लोग जो है कुछ राशन ले सके, कुछ पानी ले सके, ताकि जो है खाना बन सके। अब असली जो मुद्दा है उस चीज़ से आपको रूबरू कराते हैं कि आखिरकार जो है 144 तो लग गई, इंटरनेट तो बंद हो गए, लेकिन नूह के लोगों को जो है किस चीज़ की समस्या है और किस चीज़ों की जो दिक्कत है उस चीज़ से सामना करना पड़ रहा है। सर आपका नाम? उमर मोहम्मद। उमर मोहम्मद साहब, यहाँ पर 4 दिन से कर्फ्यू लगा है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, हमारे यहाँ पे कुछ बाहरी लोग आए थे जी। ये जो है शोभा यात्रा के बहाने जी, ये शोभा यात्रा के बहाने कुछ लोग आ, उन लोगों ने यहाँ पर चैलेंज दिया था। अच्छा। अब तुम्हारा जीजा आ रहा है। हाँ। तुम्हारा जीजा आ रहा है, उसके लिए माला तैयार कर लियो। अच्छा। हाँ। तो हमारे यहाँ मतलब भड़काऊ भाषण दिए गए, यहाँ पर भाषण दिए थे। हाँ। वही उन्होंने चैलेंज दिया था और यहाँ आके उन्होंने उपद्रव फैलाया था यहाँ पर। हाँ। यानी आतंक फैलाया था यहाँ पर आकर उन्होंने, मतलब हमारे भावनाओं को ठोस पहुँचाई थी। तो हमारे यहाँ क्या है, बहुत माहौल अच्छा है, शांति है, हिंदू मुसलमान सारे मिलकर रहते हैं, सारे शांति। आप देख सकते हैं सारे गैर मुस्लिमों की दुकान है, जितने भी बोर्ड सब पे आप देख सकते हो, सब पे गैर मुस्लिमों के नाम लिखे मिलेंगे आपके लिए जी। तो इन लोगों ने यहाँ क्या किया है, तो जो हम लोगों की भावना जो को ठोस जो पहुँचा है। हाँ। उसके खिलाफ कुछ आदमियों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, ये नहीं माने। इन्होंने फिर क्या काम कराया, बाजार के अंदर जो यहाँ पे इन्होंने पड़ोस में मुस्लिमों की दुकान है। हाँ। इधर आप जाके देख सकते हो, आप मौके पर चल के, यहाँ पे मुस्लिमों की दुकान है, उन मुस्लिमों की दुकान के ऊपर ये गैर मुस्लिम वहाँ पड़ोस में रहते हैं, वो गैर मुस्लिम रहते हैं, आम रास्ता वाला रास्ता की जो राहगीर हैं जो यहाँ के निकलने वाले, उन पर उन्होंने फायरिंग की है। उसकी हमारे पास वीडियो है। अच्छा। हाँ, उसकी वीडियो है हमारे पास, उसकी हमारे पास वीडियो है। और एक 2 लड़कों को गोली लगी है यहाँ पे। अच्छा। और मुसलमानों की यहाँ पर देखो सारी दुकानें जला दी गई हैं ऐसे में, और वहाँ आप चल के मौके पर देख सकते हैं आप सारे है। अब क्या है, मुसलमान बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना टाइम पास कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, सारा वातावरण बिल्कुल शांत है। हैं, ये लोग एक तरफ हमें मतलब बुला के और माहौल को ख़राब करके इन लोगों को टारगेट बना रहे हैं। इन लोगों को पुलिस को बुला के पुलिस प्रशासन जो है इनका साथ दे रही है, पुलिस प्रशासन से मिला हुआ है, एक तरफ कार्रवाई हो रही है। हमारा कोई ना तो यहाँ कुछ खाने का इंतजाम है। हाँ। ना कोई प्रशासन आ रहा है। हाँ। ना हमारी कोई यहाँ सुन रहा है, ना हमारे पास कोई आ रहा है, हमको तो टारगेट बनाया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों की मतलब असमत लूटी जा रही है यहाँ पर, हमारे घरों में रात को छापा मारा जा रहा है यहाँ पर, हमारी इज्जत को हमला कर रहे हैं। रात में ये छापा कौन मार रहा है? प्रशासन आते, कुछ चंद आदमी शरारती तत्व हैं, गैर मुस्लिम हिंदू संगठन के, वो उन लोगों से जो जुड़े हुए हैं हिंदू संघ, जो बजरंग दल वालों के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे नूह के अंदर, वो ओपन नहीं आ रहे हैं। वो यहाँ उपर्दे फैला रहे हैं रात को, मतलब यहाँ पे मतलब 3 बजे रात को यहाँ पे बस गाड़ी आई है वैगनार, उसमें हथियार आए हैं और वो यहाँ पर हथियारों को दे के चली गई। आप एक बात बताइए, ये रेहड़ी लगाने वाले एक लोग क्या निशाना मतलब बंदूक चला सकता है उनका, ये हो सकता है ये?
जो रेड लगाने वाला लोग है, ये जो दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाना चाहते हैं, दो समुदाय को लड़वाना चाहते हैं। हाँ जी, ये कुछ है बजरंग दल की जो आड़ में जो कुछ बाहरी लोग आए थे यहाँ पे 31 तारीख को, उन्होंने यहाँ पर चैलेंज दिया था। सर ये यानी मैं कहना चाहूंगी, हाँ। सर ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो ये गवर्नमेंट है ये करवा रही है, इसके हाँ। पीछे गवर्नमेंट है, और ये जो ये आया है, क्या नाम है इसका, सोनू जो माने सर है, हाँ। इसका मोनू माने सर, सोनू जो भी बहाया, जो भी इसका नाम है, पहली बात ये है वो उसका कोई धर्म नहीं है, ना वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है, उसका सिर्फ एक धर्म है, वो है आतंकवाद। आतंकवाद का मतलब क्या होता है कि आतंक फैलाना, तो उसका कोई धर्म नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ भाई, सब लोगों से ये अपील है, जैसे कि पहले लोग आपस में प्यार से रहते थे उसी तरीके से रहें, इससे पहले कोई लड़ाई नहीं हुई कभी। मैं कोर्ट से 12 बजे के बाद जब मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरे हस्बैंड के पास कॉल गई, तो मेरे हस्बैंड वो ये गत्ते का काम करते हैं, तो वहाँ गए थे कबाड़ा लेने। अच्छा। तो वहाँ से फिर मुझे, मैं घर पे ही थी कि मुझे छोड़ चले गए, तो मुझे गोलियों की आवाज़ आई है इस तरफ से। अच्छा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैंने इनको पूछा कि आप कहाँ हैं, इन्होंने बोला कि मैं कोर्ट से मैं कबाड़ा लेके मैं यहाँ आ रही हूँ, एक मिनट। तो फिर मैंने इनको घर बुलाया, तो उसके बाद फिर हम लोग छत पर चढ़े, तो हमने देखा है जो सामने जो बिल्डिंग है उससे फायरिंग हो रही है, और जो फायरिंग जो कर जाना आपने, किसी ने जो है टोपी पहन रखा था या गले में भगवा लगा रखा था, मेरी बात सर उसे जानते हैं, टोपी पहनना उस तरफ के जो लोग हैं वो सारे वो उन्हीं के घर के लोग हैं, और सब है उनकी वीडियो बाकायदा है गई, उनकी वीडियो है, और फायरिंग करते हुए उनको दिखाया गया। वो भी नूह के रहने वाले। हाँ जी, वो यहीं के इस बिल्डिंग के, उनका सामने घर है, आपको उस जगह पे लेके चलेंगे जिन्होंने मतलब ये सब किया है, और सीधा निशाना यहाँ पे। एक बात बताइए, आप मीडिया वाले हैं, आप पुलिसकर्मी नहीं है, ये पुलिसकर्मी नहीं है, जो पुलिसकर्मी होते हैं उनका निशाना होता है, और एक जो डाकू होते हैं आतंकवादी, उनका डायरेक्ट कोई कैसे मार सकता है। धड़ाधड़ फायरिंग हो रही, हम लोग सब डरे सहमे। हम सर तो प्लीज़, मैं मेरी ये नियुक्ति है कि क्या कहते हैं कि सरकार जो है जो ऐसे लोगों को आतंकवादी जो हैं उनको बढ़ावा ना दे, और इस चीज़ को रोके, आपस के जो प्रेम जो सद्भावना की जो भावना है इस देश में उसको बरकरार रखे। अभी तक जो है उन दंगाइयों में से किसी की गिरफ्तारी हुई? सर नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि उल्टा ये हो रहा है, हमारे जो ये मुस्लिम उनको ले लेके जा रहे हैं यहाँ पे। सर मेरी बात, मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, कूट डालो राजनीति करो, इस वजह से बस वोट बैंक जो है वो बदलेंगे, बस ये काम है और कोई काम नहीं है। क्या नाम है आप? जी मेरा नाम वसीमा है। आज 4 दिन हो गए, 4 दिनों से जो है नूह में 144 धारा लगाई गई है, इन चीज़ों से जो है आप लोगों को किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? भाई दिक्कतों की ये मत कहो कि हम किस दिक्कतों का, हमारे लिए अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे लिए दिक्कत ही दिक्कत है, हम क्या करें, हम घर से नहीं निकल सकते, ठीक है, हर वक्त हम यहाँ पे नज़र रख के, यहाँ पे 24 घंटा हमारी नज़र होती है कि कब पुलिस आए, कब हमारे घर में जो छोटे मोटे लड़के हैं, बड़े लड़के तो हमारे घर से सब गायब है, क्योंकि हमारे लिए ये ऑप्शन डाला ही नहीं है ना कि भाई पूछताछ करो या फिर पूछ के लेके जाओ, वो तो डायरेक्ट उठा रहे हैं, पूछताछ कुछ नहीं हो रही हमारे लिए। हाँ। ये 144 जो धारा है ये संविधान है, संविधान जो बनाया गया सभी के लिए लागू है, तो ये मुस्लिम के लिए थोड़ी कि मुस्लिम को ही टारगेट किया जाता, उन लोगों को क्यों उठाया जाता, ये किसी के लिए नहीं है। हिंदू जो है वो बना के बैठे हुए हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, अगर मुस्लिम दो लोग भी खड़े हैं तो उनको बोलने, रात को 3-4 बजे, कल भी हमारे गली में चोरी हो गई है, हाँ कल रात भी हमारे गली में चोरी हो गई है, तो सर ये कहाँ का इंसाफ। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि प्रशासन से प्लीज़ कहा जाए इस चीज़ को ख़त्म करें, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा है, हम लोगों का बिगड़ रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, हम लोगों का जा रहा है। सर हम गरीब लोग हैं, हम रेहड़ा चलाते हैं, हमारी सारी जो कमाई धमाई सब हेरेगी, जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो महीने भर का राशन पानी खा के वो धर के बैठे, हमारे पास नहीं है इतना, हम जितने पास हम नहीं, हम क्या करें, हम के भूखे रोड पे बैठे और क्या करेंगे, अब आप लोग भी साथ ना देंगे तो कौन देगा। देखिए बार बार जो है ये दिखाइए आप कि ये महिला जो है हैंडीकैप होने के बावजूद भी जो है यहाँ पे बार बार सरकार के ऊपर कई सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों जो है देश के अंदर फूट डालो और राज करो वाला जो टाइम है जो अंग्रेजों ने अपनाया था उस तरह से, आखिर कौन है ये राजनेता जो इस तरह से कर रहे हैं, कौन है वो राजनेता जो आपस में दो समुदाय को भिड़वा रहे हैं, कौन है वो लोग जो आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं, दंगा फैलवाना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। इरफान साहब,
वार्ड नंबर एक का बासिंदा हूँ, यहीं मैं रहता हूँ जी हाँ। और मुझे काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए, 30-32 साल मुझे हो गए यहाँ रहते हुए, मैंने कभी इस तरीके का माहौल ना देखा। माहौल को बिगाड़ना जो है ना, ये प्रशासन का काम हुआ है। जब प्रशासन के पास इस चीज़ की पहले ही से जानकारी थी कि माहौल बिगड़ सकता है, क्यों नहीं रोका? क्या वजह थी? रोकना चाहिए तो प्रशासन काम है, हमारा काम थोड़ी है। और फिर दंगा हुआ है यहाँ पे, अब मीडिया वाले भी जो है ना सिर्फ एक तरफा वो दिखा रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि मीडिया वाले भी जो है ना एक तरफा दिखा रहे हैं कि कार सेवकों पे हमला हुआ। अब ये बताइए, कार सेवक जो है ना मथुरा से आएंगे, हापुड़ से आएंगे, मुजफ्फरनगर से आएंगे कार सेवक? यहाँ के हिंदू हिंदू नहीं है? उन्होंने क्यों नहीं निकाली शोभा यात्रा? उनको निकालना था, वो भी तो हिंदू है। अब क्या जो शोभा यात्रा निकल रही थी वहाँ पे, यहाँ नूह के हिंदू नहीं थे उसमें? नहीं, उसमें हिंदू नहीं थे नूह के, उसमें या तो थे मथुरा के, या थे हापुड़ के, या थे मुजफ्फरनगर के, या थे गुड़गांव के, या थे दिल्ली के, सारे बाहरी लोग थे, एक भी हमारे यहाँ का नहीं था नूह का। अच्छा जी हाँ, तो क्या शोभा यात्रा उन्हीं का धर्म है? हमारे यहाँ नूह के हिंदुओं का धर्म नहीं है, तो क्यों नहीं निकाला इन्होंने शोभा यात्रा नूह के हिंदुओं ने? वहाँ से बाहर से क्यों बुला रहे हैं उनको? त्यौहार जो मनाते हैं, हर आदमी का हक है त्यौहार मनाने का। अगर यहाँ लोग, यहाँ के लोग शोभा यात्रा निकालते तो हम उनके साथ शामिल होते, क्यों नहीं निकाले? वहाँ जो क्रिमिनल लोग हैं, जो कि हथियार लेके आए, तलवार लेके आए, कट्टे उनके हाथ में, रिवाल्वर उनके हाथ में, पिस्टल है उनके हाथ में, बताओ ये कौन सा तरीका, कौन सा त्यौहार होता है कि तलवार लेके? आपने जो है इससे पहले इस तरह की नूह के अंदर कभी गतिविधियां जो है इस तरह की देखी? नहीं नहीं, कभी नहीं देखा, ये पहली दफ़ा हुआ है। और सिर्फ ये जो है ना प्रशासन की तरफ से एक माहौल बिगाड़ने का होता खेल, कि यहाँ किसी तरीके से माहौल बिगड़े। प्रशासन इसको रोक सकता था, रोका जा सकता था ये काम, लेकिन नहीं रोका, उसको खुलेआम छोड़ दिया कि जाओ जी बिगाड़ो माहौल को। दोनों तरफ से जो है ना जो हालात हुए वो बहुत बुरे हालात हो गए, अच्छे हालात नहीं रहे इन्होंने। सर क्या आप लोगों को भी सूचना दी गई थी, किसी चीज को लेकर सूचित किया गया था, ऐसा भी कुछ हुआ था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। हमें तो जब पता, अब पता चल रहा है कि भाई एक हफ्ते पहले जो है ना मीडिया वाले कह रहे हैं कि एक हफ्ते पहले जो है ना सरकार के पास इसकी जानकारी थी, प्रशासन के पास इसकी जानकारी थी। अगर प्रशासन के पास जानकारी थी तो प्रशासन रोकता क्यों नहीं है? क्यों आपस में लोगों को भिड़ने देता है? प्रशासन तो खुद कह रहा है कि उसे जो है इसकी सटीक जानकारी नहीं थी कि इस यात्रा में जो है कितने लोग शामिल होने वाले। नहीं नहीं, ये सरकार, अगर प्रशासन ये कहता है कि भाई हमें जानकारी नहीं थी तो वो गलत कहता है। उसके पास हर एक की जानकारी थी कि कितने बंदे आने वाले हैं बाहर से, हापुड़ से कितने आने, मुजफ्फरनगर से कितने आने, मथुरा से कितने आने, आगरा से कितने आने, राजस्थान से कितने आने, सबकी जानकारी थी उनके पास। ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन अपने आपे को बचाने के लिए जो है ना आवाम को जो है ना मुजरिम बनाए दे रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें जहाँ तक कमी है वो प्रशासन की कमी है। प्रशासन को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जिम्मेदारी समझे, और जिम्मेदारी समझ के जिनको इस्तीफा देना वो इस्तीफा दे, राज चलेगा, इस्तीफा दे। क्यों नहीं देते वो इस्तीफा? क्यों चिपके हुए कुर्सी से? जब उनका चाहे कि जो है ना, जब वो नहीं रोक पाते हैं दंगे को और दंगा भड़काना चाह रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि जो है ना इस्तीफा दे के अपने घर बैठ जाएं, ये राज तब भी चलेगा। क्या अभी तक जो है आपके क्षेत्र के विधायक, कोई सांसद अभी तक आप लोगों से मिलने आए? नहीं नहीं, कोई नहीं आया, ना विधायक आया, ना मेंबर आया, ना सांसद आया, कोई नहीं आया अभी तक मिलने, ना किसी ने जानकारी ली। मीडिया वाले भी आज आए हैं, अब से पहले उधर ही जाते थे और उधर से ही जो है वो रिपोर्टिंग करके चले जा रहे थे, लेकिन इधर कोई नहीं आ रहा था। यहाँ इतना डर का माहौल है कि ज़्यादा उम्र के लड़के जो है ना 20 साल से जो ऊपर के लड़के 15-20 साल से, वो यहाँ से जा चुके हैं सब डर की वजह से, कि कब हमें जो है ना पुलिस यहाँ से उठा ले, और उसको हमें ये साबित करने में कि हम उस दंगे में नहीं थे, हमारे पास 5 साल का वक्त लग जाएगा कि हम इस दंगे में थे ही नहीं। तो इस वजह से जो है ना वो सब यहाँ से जा चुके हैं, सब यहाँ से गायब हैं, या तो यहाँ ऐसे बच्चे हैं छोटे जो 10-15 साल के बच्चे हैं, या फिर हम जैसे हैं जो 50 से ऊपर की उम्र के हैं, वो लोग यहाँ रह रहे हैं, या फिर ये औरतें बेचारी। ये जो है कितनी बड़ी सवाल है, किस तरह से कह रहे हैं कि इतना यहाँ पे डर और भय का माहौल बना दिया गया है कि यहाँ पर जो 15 साल से 20 साल के लड़के हैं वो तमाम लोग यहाँ से जा चुके हैं, वो कहीं और रह रहे हैं, ताकि जो है कहीं इस दंगे की आड़ में कोई मासूम न फंस जाए और उसे जो है कोर्ट का, थाने का चक्कर न काटना पड़े। और भी महिलाएं जुड़ते हैं, क्या नाम है? मेरी जीनत नाम है। यहाँ देखो, हिंदू का दुकान है, मुसलमानी का किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ। करना चाहते तो तोड़फोड़ करते हैं, हमारा सारा मुसलमान का रेड़ा जला दिया, नंगली के 15-20 रेड़ा जला दिया, पूरी आग लगा दिया, लड़के जवान को मार दिया, गोली चलाया। अच्छा। सारे वीडियो बनी पड़ी हुई है, अब बताओ अभी किनवा आदमी कहाँ जाए? सारे हम परेशान हुए पड़े, 30-32 साल हो गया आज तक। यहीं से वहाँ तक पूरी मार्केट हिंदू की है जी, देखो यहाँ से वहाँ तक 10 दुकान है। एक मिनट, ये तस्वीर दिखाइए, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं
आगे यहाँ से जो चौराहा है वहाँ से क्या हिंदुओं की दुकान है? हाँ जी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बात हाँ। सहमत हूँ। अगर हम शांति नहीं बनाते तो हमारे पड़ोस हैं सारे भाई हाँ। हमारे पड़ोस में सारे जो रहते हैं हाँ। आप इनके बोर्ड को देखिए क्या लिखा हुआ है ये। अच्छा ये तस्वीर दिखाइए, ये जो दुकान है ये रोहित किराना स्टोर, इसके साथ जो है अमन किराना स्टोर, ये साफ तौर पर देख सकते हैं यानी कि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम दोनों जो है कहीं ना कहीं भाईचारे के साथ रहते हैं, अमन के साथ रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं, लेकिन आखिरकार यहाँ पे किसी ने कुछ आगजनी की कोशिश। यहाँ के जो जिम्मेदार हमें जी हमारी एरिया में जो दुकान है सारी कंप्लीट हिंदू, उनके किसी में कोई नुकसान नहीं है हाँ। और उन लोगों ने अपनी दुकान में आपन ने आग लगाई है। किसे मानते हैं आप? कौन है ये जो दो भाइयों को लड़वाना चाहता है? कौन है ये जो दंगा भड़काना चाहता है? ओनली बजरंग दल वाले हाँ। यही है जी जो फिसाद बुआ रहे हैं, दंगा फैसा फैला रहे हैं हाँ। ये सिर्फ बीजेपी वाले हैं, बजरंग दल वाले और आरएसएस वाले वो दंगे करवा रहे हैं सर। यहाँ पे जो एक छोटे से छोटा समोसे वाला है वो भी कट्टा लेके बंदूक लेके छह छह राउंड वाली गोली लेके छत पे से धड़ाधड़ चला रहा है। यहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों की छह दुकान है कम से कम, यहाँ हिंदुओं के 10-15 घर हैं और ये सारा इलाका मुस्लिम का है। अगर हम उनको तोड़ना चाहते हैं, उनकी दुकान तोड़ना चाहते हैं, सबसे पहले इनको ख़त्म करते, उनके घर के सामने की दो दुकानों को क्यों तोड़ते, ये बताओ आप। दुकान देखो जी, हिंदुओं की कितनी दुकान है। ये तस्वीर जो है ये गवाही दे रही है अपने आप में। देखिए कि ये यहाँ पर जो है भारत की आन बान शान तिरंगा भी लगी हुई है, इसके साथ दोनों तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। दोनों तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है चार दिनों से यहाँ पर तमाम दुकानें बंद है, तमाम चीज बंद है। लोग जो है जिस कोई दूध के लिए, कोई पानी के लिए, कोई गैस के लिए, कोई सब्जी के लिए, कोई चावल के लिए, कोई व्यक्ति जो है, कोई महिला जो है बाहर निकल रही है। लेकिन दुकानों की तस्वीर दिखाइए, चारों तरफ जहां जहां तक आपकी दुकानों पे नजर जाएगी वो तमाम दुकान बंद है, तमाम गलियां बंद है, वो तमाम लोग जो है आखिरकार सवाल पूछ रहे हैं कि दंगा कोई और करे, दंगा भड़काए कोई और उसमें जो है आम जनता आखिर क्यों पिसती है, क्यों जो है आम लोगों को ही इन दंगों में जो है पिसना पड़ता है। क्या नाम है आपका? सरोना जी। अच्छा मैम, चार दिन से आपके यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, दुकानें बंद हैं, किस तरह से आप लोगों के खाने पीने की कुछ नहीं मिल रहा सर, कुछ नहीं मिल रहा। बच्चे स्कूल शुरू का हुए, अब कैसे पास होंगे, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा तो विधवा हो रहा है, हम तो नहीं कुछ खाने को नहीं पीने को, बच्चे डर के मारे बीपी हो रहा, इतने इतने सहन के अब कैसे पार पड़ेगी। यहाँ ये हिंदू की दुकान है, पर सामान कोई कुछ ना दे रहा किसी को। अच्छा। सब कुछ यहीं पर आप देख लो, मुसलमान की तो दुकान भी नहीं है जी, और बच्चे हमारे चलो पूरी गली, छोटे छोटे बच्चे हमारी दुकान है यहीं पर, फ्रूटन की कोई हमने खोल भी ना रहे, चार दिन हो गया हमने। बताओ हमें रोज की खाने पीने वाले कमाने वाला आदमी सरकार। ये छोटे छोटे तस्वीर दिखाइए कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इन सब के जो है स्कूल बंद है, ये बच्चे जो है पढ़ने नहीं जा रहे हैं। एक महिला यहाँ पे थी, वो जो है दूध के लिए जा रही थी, कहाँ पे है? दूध भी नहीं मिल रहा। अच्छा। हाँ, कल हम दूध के लिए थैली नहीं मिली हमारी। हाँ। ये तस्वीर दिखाइए, यहाँ पर भी जो है ये मुकेश किराना स्टोर, ये साफ देखिए, उसके बाद अनिल किराना स्टोर, तमाम ये जो है यहाँ पर, यानी कि जिस तरह से बताया जाता है कि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रह रहे हैं, दोनों समुदाय के लोगों का दुकान है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है किस तरह से नफरत घोली जा रही है, किस तरह से जो है यहाँ पर एक बीज बोया जा रहा है ताकि दो समुदाय जो है आपस में लड़े और कोई और जो है इसका फायदा उठाए। आखिर क्यों जो है इतनी नफरत एक दूसरे के प्रति भरी जा रही है, क्यों ये आग जो है एक दूसरों के प्रति जो है लगाई जा रही है, सोचने वाली बात है। नूह से दिल्ली अप टू डेट ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है और आपको जो है यहाँ की जो सच्चाई है वो सटीक खबरें आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जो है दंगा भड़काने की कोशिश की गई, कौन थे वो लोग जो अराजकता फैला रहे थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरा जर्नलिस्ट एचडी के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।